आज हम जियॉर्ड की क्रिएशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग जियॉर्ड्स और टेबल्स। ये जो जियॉर्ड है अनेक लेयर्स में इसमें हम काम करेंगे, सो इट मे टेक अस 5 और 6 डेज। मैंने अपने वुडन बोर्ड को जेसो से प्राइम कर लिया है एंड आई एम हैविंग दीज 3 कलर्स, वाइट, और 2 शेड्स हैं मेरे पास पर्पल के, थोड़ा सा गोल्डन है। वाइट पिगमेंट पेस्ट जो है इसको मैंने अपने मिक्सिंग कप में डाल लिया है। तो सबसे पहले जो है इन सब में रेजिन ऐड करके पोरिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मेटल में जो है वो मैंने वाइट पिगमेंट पेस्ट के साथ जो रेजिन था उसको पोर कर लिया है। नेक्स्ट जो मीका पाउडर है मेरे पास डेजी वाइट, उसके अंदर मैंने रेजिन ऐड किया और सिर्फ इसकी पिगमेंट पेस्ट की एक आउटलाइन जो है वो आई एम क्रिएटिंग। बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में जो है वो रेजिन की पोरिंग करनी चाहिए ताकि अचानक से जो है एक मेस ना क्रिएट हो जाए। फ्लेम टॉर्च को मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका पर्पज़ ये है कि आई जस्ट वांटेड कि दोनों कलर्स जो हैं वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएं। और मैंने कुछ मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से भी डेजी वाइट को अपने पिगमेंट पेस्ट के अंदर थोड़ा सा ऐड इन कर लिया है। अब इसका जो आउटर सर्कल है उसमें मैंने गोल्डन रेजिन पोर कर दिया है। हीट गन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग टॉर्च क्योंकि टॉर्च से जो है वो ज़्यादा फ्लो नहीं आता और इससे एक फैनिंग इफेक्ट आता है जिससे 2 कलर्स जो हैं वो सही से ब्लेंड हो जाते हैं। थर्ड लेयर अब मैं लाइट पर्पल जो है उसकी मिक्स कर ऐड इन कर रही हूँ। ग्रेजुअली जो है वो अपने रेजिन की क्वांटिटी को की पोरिंग जो है वो इंक्रीज करें। एक ही दफ़ा में डू नॉट पोर सो मच कि वो ड्रिप करने लगे या फिर जो है जो आपने सोचा है एक पैटर्न जो बनाने का वो ना बने, बल्कि वो सब जो है वो ब्लेंड होकर मिक्स एंड मैच होकर कुछ और ही बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके पोर करें। अब इसके अराउंड मैं एक लाइट पर्पल जो है उसको पोर कर रही हूँ। इनर जो था वो डार्क पर्पल था और जो आउटर है दैट इज लाइट पर्पल। जो भी आप 2 शेड्स लें किसी भी कलर के उनके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो क्योर हों तो आपको पता चले कि आपकी ये 2 डिफरेंट लेयर्स थी। हर लेयर पे टॉर्च को करना इज़ वेरी नेसेसरी ताकि राइट अवे आपके बबल्स जो हैं वो पॉप हो जाएं, बट डू नॉट ओवर डू इट अदरवाइज रेजिन जो है वो बर्न हो जाता है और उसके अंदर वो एक नज़र आता है उसका बर्न हुआ हुआ इफेक्ट जो है। सो मेक श्योर कि यू हैव टू कीप योर टॉर्च एट सम हाइट। अब ये मैंने मिड में एक टाइनी सा ड्रॉप क्रिएट किया है यूजिंग पर्पल। आउटर एरिया जो है उधर मैंने एक और लेयर जो गोल्डन की है वो मैंने पोर कर दी है। अगेन यू कैन सी कि मैं थिन लाइंस जो है उनको पोर कर रही हूँ और मैं एक ही दफ़ा में सारा नहीं कर रही क्योंकि
फ्लो करता है रेजिन और वो अचानक से जो है आपका पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब आप नई लेयर डालते हैं तो उसको पहले वाली लेयर से थोड़े से डिस्टेंस पे डालें ताकि वो खुद ही मूव करके उस एरिया को कवर अप कर ले और आपका जो है वो जो आपने डिज़ाइन अपने माइंड में रखा हुआ है वो इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट मैं इसके आउटर सर्कल में एक थिन लेयर जो है वो वाइट की ऐड कर रही हूँ। अब एक और पर्पल की लेयर जो है वो अब मैं ऐड कर रही हूँ आउटर एरिया में। वाइट से थोड़ा सा दूर रख के मैं इसको पोर कर रही हूँ ताकि जो है दोनों कलर्स ऑल ऑफ अ सडन मिक्सअप ना हो और जब ये रेजन का फ्लो जो है ये स्टॉप हो तो सब लेयर्स और सब कलर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर विजिबल हों। ऑल दो इफ़ यू कैन सी कि जो मिडिल वाला वाइट पोर्शन है वो स्क्वीज़ होता जा रहा है विद द फ्लो ऑफ रेजिन और वो इनिशियली काफ़ी बड़ा था लेकिन वो अब स्क्वीज़ हो रहा है फ्लो हो की वजह से। सो दिस शुड बी इन योर माइंड कि आपका रेजिन जो है वो किस तरह से फ्लो करेगा। दैट कम्स विद प्रैक्टिस और व्हेन यू विल बी वर्किंग फर्स्ट टाइम तो मे बी यू गेट सम इश्यूज़ इन ऑन योर वे लेकिन ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं वंस यू आर ट्रेन टू यूज़ रेजिन इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर। जो दो शेड्स पर्पल के मैंने अंदर पोर किए थे उन्हीं को मैंने आउटर एरिया में भी पोर कर दिया है। कॉर्नर्स में भी मैं कलर ट्रांजिशन को दूंगी और जो पहले शेड मैंने पर्पल का पोर किया है उससे डिफरेंट को मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नर्स में। यहाँ पर भी आप एक लेयर वाइट की दे सकते हैं इफ़ यू फील लाइक।
ताकि जो है थोड़ा सा मज़ीद कलर ट्रांजिशन हो जाए। नाउ कम्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, मैं क्लियर रेजन जो है वो जो दो शेड्स पर्पल के पोर किए थे उसी के ऊपर, पहले एक इनर पर्पल के ऊपर मैं एक क्लियर रेजन की मैंने लेयर डाली है और अब मैं आउटर जो पर्पल था उसमें डाल रही हूँ। इसका इसकी रीज़न ये है कि इससे एक डेप्थ आ जाती है आपके कलर्स के अंदर, और जो इनर पोरिंग होती है या कलर्ड पोरिंग होती है वो पॉप अप करना शुरू हो जाती है। एज़ यू कैन सी कि जो इनर वाला सर्कल है जहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पोर ट्रांसपेरेंट रेजन, वो आपको कितना विजिबली नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर्ड के जो आउटर साइड पे पर्पल्स हैं। इससे एक डेप्थ आ जाती है और एक ना 3D लुक आती है, दैट गिव्स अ वेरी अमेजिंग लुक। सो दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट कि आई ऑलवेज ऑलवेज डू दिस थिंग इन माई जियॉर्ड्स, जिससे जो है एक डेप्थ का एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो इट्स डे टू, रेजिन जो है वो फुली क्योर है और अब हमने लाइन वर्क करना है यूजिंग द पेंट मार्कर्स इन वाइट एंड गोल्ड। बट बिफोर दैट लेट्स सी कि जो हमारा क्योर जियॉर्ड है वो कैसा है। सो नाउ यू कैन सी कि वो जो क्लियर रेजिन डाला था उससे एक डेप्थ का एलिमेंट कितना प्रोमिनेंट है, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ सेल्स दैट दे हैव बीन क्रिएटेड। अब मैं अपनी थिकेस्ट पॉसिबल निब वाला जो वाइट पेंट मार्कर है उससे लाइन वर्क करूँगी। लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करनी, इंस्टेड के जो भी आपका रेजिन क्योर हुआ है उसकी जो भी कर्व्स हैं उसके अलोंग आपने अपने मार्कर को चलाते जाना है। मल्टीपल थिकनेस के की जब आपके पास मार्कर्स होते हैं तो आप जो हैं डिफरेंट जो है वो थिकनेस की लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ मार्कर्स होते हैं जो यूज़ हो के काफ़ी जो हैं वो थिक हो चुके होते हैं, उनकी राइटिंग काफ़ी मोटी आती है, और जो नए मार्कर्स होते हैं उनकी लाइंस जो हैं या राइटिंग जो हैं वो बहुत थिन होती हैं। तो आप अपने पुराने मार्कर को भी डिस्कार्ड नहीं करें बल्कि कीप इट विद योर सेल्फ, और इस तरह से आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई एम डन विद दिस लाइन थिंग, तो मैंने इसके ऊपर फ्लड कोट जो है वो कर दिया है और पूरा जो है वो इवनली स्प्रेड मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन को कर दिया है, और एज यू कैन सी कि कुछ क्रिस्टल मोल्ड्स पड़े हैं वो भी मैंने फिल कर दिए हैं। टॉर्च करना इज़ वेरी नेसेसरी। सो नाउ इट्स डे 3 और मेरा फ्लड कोट जो है वो हो चुका है क्योर, मैंने अपने क्रिस्टल को अगेन फिल कर लिया है, और क्योंकि जो क्रिस्टल मोल्ड्स होते हैं इनके अंदर से बबल्स पॉप करना बहुत चैलेंजिंग होता है, एंड एट टाइम्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करें गन को तो आपका मोल्ड जल भी सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट ये है कि आपने पोर करने के बाद अपने मोल्ड के अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का के दो स्प्रे कर देने हैं, उससे आपके बबल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि मैंने गोल्डन रेजिन जो है वो बनाया है, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। राइट अवे अगर आप पोर करेंगे तो वो फ्लो कर जाएगा और फ्लैट हो जाएगा आपकी सर्फेस पे, लेकिन अगर आपको एक हाइटेड और थिक लाइन चाहिए अपने जियॉर्ड पे
तो उसके लिए आपको अपने वेजन को बना के थोड़ी देर रखना है, 5 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इन यूर इन विच यू आर वर्किंग। और अगर आपको जब लगे कि थोड़ा सी उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी मिक्सिंग स्टिक के साथ कि रनी है और नहीं भी है और थोड़ा सा थिक है, बट मेक श्योर कि हीट ना हो जाए आपका जो रेजिन है, वरना फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। तो अब ये मैंने आउटर एरिया में लाइंस लगा ली हैं और अब मैं इनर एरिया पर भी सेम जो आउटलाइन है वो स्केच कर रही हूँ। एंड एज यू कैन सी कि जहाँ पर मैंने जो है वो लाइन स्केच की है वो वहीं पर स्टे कर रही है, रेजिन जो है वो फ्लैट नहीं हुआ और वो फ्लो नहीं किया। एक तो ये बात है कि मैंने उसको अपने थिक होने का टाइम दिया, और सेकेंडली आई एम यूजिंग माय पाइपिंग बैग। यहाँ पे मैंने 2 जियॉड आईज भी क्रिएट कर ली हैं, 2-3 डॉट्स जो कि आप देख रहे हैं। सो नाउ लेट मी अनमोल्ड दिस क्रिस्टल इन फ्रंट ऑफ यू टू सी कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है। एंड एज यू कैन सी कि इसमें बबल्स जो हैं वो बहुत मिनिमल हैं, और इसकी रीज़न यही है कि मैंने इसमें टॉर्च के बजाय अल्कोहल स्प्रे किया था। यू कैन डेफिनेटली यूज़ टॉर्च, लेकिन फिर बहुत ही केयरफुली कि आपका मोल्ड जो है वो जल ना जाए। एंड यू कैन सी कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल्स जो हैं वो निकले हैं। नाउ इट इज़ day 4 और फ्लड को ड्राई हो चुका है। सेकेंडली day 3 में हमने किया कि जो थिक लाइंस थी गोल्डन वो क्रिएट की। सो नाउ इट्स day 4 जिसमें एक और लेयर पर जो है मैं एक थिन टिप पेन के साथ जो है वाइट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इसी के अलॉन्ग 3rd लाइन जो है वो भी ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज़ ऑप्शनल, आपको 1 लाइन रखनी है, 2 लाइन रखनी है या 3 लाइन्स रखनी है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने 3rd लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब जो गोल्ड थिक लाइन है उसके अलॉन्ग में गोल्ड पेंट मार्कर की हेल्प से लाइनिंग कर रही हूँ। मिडल एरिया में आप मैं थोड़ा सा रेजिन जो है वो पोर करके तो फिर इस पर क्रिस्टल्स को फिक्स करूँगी जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। और अगेट स्लाइस जो है वो भी मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप एक ही दफ़ा कंप्लीट फ्लड कोट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मुझे स्लाइस को जो है वो फिक्स करना है तो उसके लिए मैं सिर्फ इस एरिया में क्रिस्टल्स की फिक्सिंग के लिए मैंने रेजिन को पोर किया है।
मैंने ग्लव्स के बगैर अपने क्रिस्टल्स को प्लेस किया है, क्योंकि एट टाइम्स हमारे ग्लव्स के साथ कुछ रेजिन लगा हुआ होता है, और वो रेजिन जब लगेगा क्रिस्टल्स के साथ तो उनका लस्टर शाइन जो है वो चली जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो रेजिन के पोर किए हैं, क्योंकि आई हैव टू कीप सम ग्लू पार्ट अंडर माई एगेट स्लाइस ताकि वो फिक्स अपनी जगह पर हो जाए। तो क्रिस्टल्स के ऊपर कुछ ड्रॉप्स पोर करने का ये मकसद था। नाउ व्हेन आई हैव फिक्स दिस एरिया, तो मैंने कुछ सॉल्ट स्टोन्स जो हैं वो बनाए थे अपने जियॉर्ड के लिए, उनको मैं एक कॉर्नर में जो है फिक्स कर रही हूँ। अब इनको मैंने स्टोन के ऊपर भी जेनरसली पोर किया है ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और टूटे ना वो। सो नाउ इट्स डे 5, एवरीथिंग इज़ डन। लास्ट थिंग इज़ कि मैं इसके ऊपर अपना स्टोन के ऊपर जो है वो गोल्ड लीफ जो है वो टिप पे थोड़ा सा कर रही हूँ, ताकि जो है वो इसकी एक फ्लैट लुक ना आए और इट शुड बी इन डबल शेड। इसके बाद जो है मैं इस पूरे जियॉर्ड को एक फ्लड कोट दूंगी, और फ्लड कोट के बाद इट विल बी कम्प्लीटली रेडी टू यूज़ और हैंग इन योर होम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ जियॉर्ड इन लेयर्स।